आज हमारे सामने जो मेहमान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये किसी तारुफ इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फर्क इतना ही है कि ज्यादातर आपने इनको काले कोट में देखा होगा, लेकिन इस वक्त ये एक रंगीन शर्ट में है और ये कोट में नहीं है। आपका नाम है अश्वनी उपाध्याय और अपने नाम से ज्यादा ये इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इनको हिंदुस्तान का PIL मैन कहा जाता है। कोई हिंदुस्तान में ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसे मामलात नहीं है कि जिसपे अश्वनी कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट पे PIL न की हो। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है, वह तो हिंदुस्तान में PIL करने का एक बहुत बड़ा रैकेट और गैंग भी है, लेकिन अश्वनी उपाध्याय साहब के साथ में ये खास बात है कि जितने भी मामले हुए हैं इन्होंने सरकारों के पार्टी के खिलाफ नहीं किया है, इन्होंने हर उस मुद्दे के खिलाफ PIL की है जो इस राष्ट्र को नष्ट करने, तोड़ने, खत्म करने की योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्य हैं, उसके खिलाफ PIL की है। इसलिए मैं न सिर्फ इनकी इज्जत करता हूं बल्कि इस बात के लिए एडमायर करता हूं कि आज के दौर में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काला कोट नहीं पहनते। और इस काले कोट को जितना कुछ बड़े बड़े लोगों ने बदनाम किया है, मैं समझता हूं अश्वनी जी जैसे यंग लोग और इनके बहुत से साथी उसकी इज्जत को बचाए हुए हैं। लेकिन एक खास मुद्दा है, अश्वनी भाई से पहली बार हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि जब बड़ा काम करे आदमी तो उसको जितने शब्द हो आपके पास सब उसकी तारीफ में कहने चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं कि ना हमारे पास दौलत है, ना पैसा है, ना रुपया है, ना हमारे पास कोई ऐसी ताकत है कि हम किसी को पद दे सकें, लेकिन तारीफ करने से काम करने वाले की हिम्मत जरूर बढ़ती है, उसका हौसला बढ़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोग इस देश में अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, उनकी शान में जितने भी शब्द कहे जाए वो कम है। अश्वनी उपाध्याय साहब को मैंने खास वजह से आज दावत दी है। आप जानते हैं कि कोर्ट में कितने मामलात होते हैं, कितना आदमी बिजी होता है, उस मशरूफ टाइम में से भी आज उन्होंने वक्त निकाला, लेकिन विषय भारत राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे खुश होने का भी समय है और इस पे बराबर हर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी को इस पे निगाह रखनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि इस देश की पॉपुलेशन कोई 150 करोड़ बताई जाती है, 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और बहुत सारे लोग आजकल छोटी छोटी बात पर भारत का मुकाबला इंग्लैंड से, अमेरिका से करने लगते हैं। जितनी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है उतने लोग भारत में इलीगल रहते हैं और उसमें सबसे बड़ी गिनती बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमान और इसके अलावा और शहरों के और देशों के भी हैं, लेकिन ये दो लोग जो हैं अगर इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तो जो आंकड़े बताते हैं कोई 5 करोड़ से के आसपास ये। अब आप बताइए कि एक देश में 5 करोड़ लोग इल्लीगल हैं जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिसका यहां कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी यहां से आस्था है, ना सरोकार है, ना उससे कोई लगाव है, वो खुलेआम लूट रहे हैं, खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं। अभी हाल का जो हमने एक बंगलौर में एक बेटी के साथ में जो जिस तरीके से वो रेप हुआ और उसको सार्वजनिक किया, ये घटनाएं आम है, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार की लिमिटेशन है, पुलिस की लिमिटेशन है, लेकिन जब समाज जागरूक होता है, जब समाज रिस्पोंड करता है तो सरकारों पे भी दबाव बनता है, पुलिस पे भी दबाव बनता है। और शायद अश्वनी उपाध्याय जी ने जब ये PIL की और उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने आदेश दिया है वो हम सबको खुश होने की जरूरत है, लेकिन ऐसे में न सिर्फ अश्वनी उपाध्याय की हिम्मत बढ़ाएं, उनको जितनी मदद कर सकते हैं हम करें, क्योंकि उनको सिर्फ हौसला बढ़ाने से नहीं इस लड़ाई में लड़ने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। अश्वनी भाई, जो कुछ दिन पहले एक आदेश आया है, ये आदेश रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों के सिलसिले में क्या है, क्या इसकी बारीकियां हैं, क्या इसका इंपैक्ट है और क्या सरकार ने इस पर सरकार को निर्देश दिए गए हैं? मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा आपसे, आप इस मुद्दे को देश के सामने बिल्कुल सरल भाषा में समझाएं, जैसे आप कोर्ट की भाषा को सरल भाषा में मीडिया को समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूं और एक बात आज आपको पते की बता दूं कि कई सारी PIL तो मैंने आपके भाषण सुन के कर दिए।
आपको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि वहीं से तो मिलता है हमें, जो दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो आप जैसे लोगों को सुन के ही आता है। जब आपको सुनते रहते हैं तो आपको लगता है हाँ यार ये विषय तो ऐसा है, इसको कोर्ट में ले जाना चाहिए। तो आप जन जागरण कर रहे हैं, हम अदालत में जागरण कर रहे हैं, आप देश के राष्ट्रवादियों को जगा रहे हैं, हम देश के जजों को जगा रहे हैं, क्या आप क्या अपने फ्रंट पे एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने फ्रंट पे अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, जो हमें अंदर से ये आत्मबल मिलता है, वो आप जैसे लोगों से ही मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आज भी मैं 2007 मॉडल के वैगनार से चलता हूँ। हमारे साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, हमारे साथ के वकील मर्सिडीज से चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, घूमते हैं। हम तो 2007 मॉडल, लगभग 14.5 साल हो गया है, उसी वैगनार को यूज करते हैं। और पेट्रोल चूंकि महंगा है इसलिए हम सीएनजी यूज करते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन यह है कि आप लोगों के आशीर्वाद से कोई निराशा नहीं है, कोई हताशा नहीं है, और देश के लिए लड़ने में कोई कमी नहीं। मैंने 100 से ज्यादा पीआईएल किया भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे विषय, आर्टिकल 35 चैलेंज किया, आर्टिकल 370 चैलेंज किया, ट्रिपल तलाक चैलेंज किया, हलाला चैलेंज किया है, मैटर पेंडिंग है, पॉलीगैमी को मैंने पेंडिंग 5 जजों के सामने पेंडिंग है। इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म पे करीब 25-30 पीआईएल है, पुलिस रिफॉर्म पे है, जुडिशियल रिफॉर्म पे है, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने के लिए मदरसों में, पूरे भारत में मदरसों को बंद किया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन उस पे है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे आदि आदि करके 100 पीआईएल।